आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नेपाल के पीएम बहादुर देउबा का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में नेपाल के पीएम ने पूजा की। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया को डराया, शंघाई में एक दिन में आए रिकॉर्ड 8,226 केस। रमजान का पवित्र महीना शुरू, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा ये महीना गरीबों की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करे। राज ठाकरे की उद्धव सरकार को धमकी, मस्जिदों से हटवाए लाउडस्पीकर, नहीं तो खुद हटाकर बजवाऊंगा हनुमान चालीसा। महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बढ़ी कीमतों से आम लोगों पर पड़ेगा 1,25,000 करोड़ का बोझ। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी दौरा किया। इस दौरान पीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव की पूजा की। बता दें जिस मार्ग से नेपाली पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ सफर करेंगे, उस मार्ग पर बड़ी चूक देखने को मिली। लाहुराबीर चौराहा के पास सड़क धंसने की बात सामने आ रही है। इस मामले पर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की गई तो इसका पूरा दोष गंगा प्रदूषण बोर्ड के सिर पर मर दिया गया। तो जहां एक तरफ वाराणसी में आज नेपाली पीएम पहुंचे हैं, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, तो वहीं उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जहां उन्हें जिस रास्ते से सफर करना था वो रोड धंसने की अब खबर सामने आ रही है और आप इसकी तस्वीरें अपने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड जो है वो धंसती हुई नजर आ रही है। देर शाम को रमजान का चांद नजर आने के बाद मुसलमानों ने रोजे और नमाज की तैयारियां शुरू कर दी। चांद दिखने के बाद ताज नगरी आगरा की मस्जिदों के तरावीह की नमाज अदा की गई, जिसमें मस्जिद के इमाम के लोगों ने लोगों को कुरान शरीफ का पाठ सुनाया। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने कहा कि रोजा फल से खोला जाता है, लेकिन फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में रोजगार के लिए फल के दाम कम करने चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बरकतों का और रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान शरीफ का नजूल भी हुआ और इसके तीन अशरे होते हैं पूरे रमजान में। पहला अशरा रहमतों का, दूसरा बरकतों का, तीसरा मगफरत का। तो हम इस मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने मुल्क में अमन अमान बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। ये बहुत बरकतों का महीना है और इसके अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत उतरती हैं और सब लोग इबादत करते हैं पांच वक्त की, और अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने सब भाइयों के लिए दुआएं की जाती हैं तरक्की के लिए। देखिए, महंगाई का तो रहा, महंगाई का और सस्ताई का इसके अंदर सवाल नहीं है। ये जो है महज सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए रोज़ा रखा जाता है, अल्लाह का हुक्म है, और हमारे जो पैगंबर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक सुन्नत है, उसको अदा किया जाता है। तो इससे महंगाई का और सस्ताई का कोई सवाल नहीं है, ये महज सिर्फ खबर अलीगढ़ से है, जहां बीजेपी विधायक अनूप वाल्मीकि का राजस्व मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचने पर जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक को चांदी का मुकुट और गदा देकर फूल मालाओं से लाद कर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो आप देख सकते हैं अलीगढ़ में बीजेपी विधायक का भव्य स्वागत किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको चांदी का मुकुट और गदा देकर उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया। वहीं मंत्री बनने के बाद वो पहली बार अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर जनता ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। जनता पार्टी ने
बड़ा बिगड़ दिया और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति जो मैं दूसरी बार देखता हूँ और वाल्मीकि समाज से आता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में जो काम करने का अवसर दिया है, मैं कोटि कोटि अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का पूरे खबर बहराइच से है, जहां नवरात्र का आगाज होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। भारी संख्या में भक्त जन माता के मंदिर पहुंचकर माथा टेकना और पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं। इस दौरान जहां सुरक्षा के दृष्टिगत से पुलिस बल भी मौजूद रहा। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद कमान संभाली हुई है और एंटी रोमियो स्क्वाड महिला पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि बहराइच में जहां एक तरफ नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के निर्देश पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उन्हें भी एक्टिव मोड पर कर दिया गया है, जिससे जो जनपद में महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का या छेड़खानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं नवरात्र के मौके पर भी मंदिरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही जनपद में इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, जिससे वहां की जनता को वो सुरक्षा का एहसास करा सके। इस मंदिर में जो लोग आते हैं, माता सखारणी या महाकाली की पूजा करते हैं, माता से जो भी मांगते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, माता उनका पूरा करती है। उस मंदिर की खासियत यह है कि माता जी के जो हम स्नान कराते हैं सुबह, वो जल गिरता है उसको नीर बोलते हैं। नीर पीने के बाद चेहरे से तुरंत शाम हो जाती है और जो भी रोग होते हैं उनको माता जी जो है वो समझ। खबर देवरिया से है, जहां अंतर जनपदीय ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें, बदमाश ने 5 लाख के बदले 15 लाख रुपए देने का लालच देकर एक व्यक्ति को पहले तो अपने झांसे में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और छानबीन करके गिरफ्तार कर लिया गया उनको। थाना रामपुर कारखाना में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गैंग इधर ऑपरेट कर रहा है, जो लोगों से बात करके, विशेष रूप से जो बिजनेसमैन हैं उनसे बात करके ये कहता है कि उनके पास 100-100 की गड्डियां हैं और वो उसे कैरी करने में उन्हें दिक्कत होती है, अगर चाहें तो 500 रुपये दे करके 100 की गड्डियां ले सकते हैं। और उसके बदले उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो पैसा देंगे उसका 3 गुना हम 100 की गड्डी आपको देंगे। और इन्होंने एसओजी के साथ एक जाल बिछाया, स्वयं ये लोग ग्राहक बने और सीओसीटी साहब मोटरसाइकिल में बैठ करके बतौर ग्राहक यशो रामपुर कारखाना के साथ एक स्थान पर गए, जहां इन्होंने गैंग के लोगों को पकड़ा। गैंग में 3 लोग पकड़े गए हैं जो थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं। और इन लोगों से खबर गाजियाबाद से है, जहां मसूरी क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बताते चले कि पेट्रोल पंप कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। आज थाना मसूरी पुलिस द्वारा जो घटना 28 तारीख को हुई थी, जिसमें कि अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मियों से गोविंदपुरम क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत उनसे लूट की गई थी, जिसमें उनसे लगभग 22 लाख रुपए तमंचे के बल पर उनसे छीन लिए गए थे। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर हम लोगों ने काम किया। उसके उपरांत हम लोगों ने सबसे पहले शोएब को आज गिरफ्तार किया 9 बजे, जिसकी निशानदेही पर उसके घर से कुछ पैसा बरामद हुआ है, 40,000 रुपये इस लूट से संबंधित। फिर उससे और जब पूछताछ की गई डिटेल, तो उसके द्वारा बताया गया कि इस तरह से ये अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हैं। तक हम लोग की टोटल इस मामले में बरामद की 10 लाख के लगभग इसमें हो चुकी है। अन्य अभियुक्तों को हम तलाश रहे हैं, लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं एवं शेष बरामद भी हम
यथाशीघ्र हम इसमें कर लेंगे एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्रवाई। चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है, ऐसे में दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त श्रद्धा भाव से दुर्गा मंदिर पर पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में नवरात्र के दूसरे दिन गोरखपुर के कौड़िया मंदिर में भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। शुरुआत होता है सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से ही शुरू होती है जब नवरात्रि लगती है। ऐसे में हम दुर्गा मंदिर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कौड़िया ब्लॉक का ये कौड़िया मंदिर है, कौड़िया दुर्गा मंदिर, और यहाँ पे भक्तों की पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार के सामान चढ़ा रहे हैं, सिंदूर, चूड़ी, शीशा, कंघी इत्यादि चढ़ा रहे हैं और साथ में ही पूरी तरह से अगरबत्ती, धूप बत्ती और पूरी पूजा के सारे सामान, नारियल इत्यादि चढ़ा करके, कपूर चढ़ा करके माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से उनकी आस्था है कि माँ किसी तरह से प्रसन्न हो। भक्तिमय माहौल है। गोरखपुर से कैमरामैन उज्जवल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। रायबरेली पुलिस ने बाइक सवार चेन स्नेचर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बदमाश का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। बता दें कि ये पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता आई है, जहाँ पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चेन स्नेचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरोह के एक सदस्य को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, साथ ही गिरोह का अन्य सदस्य फरार बताया जा रहा है। ये इधर कुछ दिनों से एक बाइकर गैंग सक्रिय हुआ था, जो कि चेन छिनैती कर रहा था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज सुबह SOG टीम, थाना ऊंचाहार की टीम और थाना कोतवाली टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें कि बाइक सवार दो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया और जवाबी आत्मरक्षात फायर में उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। एक वहां से मौके से फरार हो गया है, जिसको खोजने के लिए हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम एजाज बताया है, जो कि मूल रूप से जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की जा रही है इसका आपराधिक। लालगंज के रामलीला मैदान स्थित दुर्गा मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक महिला को चोट आई है। बता दें कि दुर्गा मंदिर में दो पक्षों के मध्य मंदिर में कब्जेदारी को लेकर लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजनों के दौरान दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ जाते हैं और एक विवाद की स्थिति बन जाती है। इस बार भी यही हुआ। शनिवार की देर शाम मंदिर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर एक पक्ष ने विरोध जताया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष से उसकी कहासुनी हो गई। इस बीच एक महिला ने लाठी से वार कर दिया, जो दूसरे पक्ष की एक महिला को जाकर लगी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। खबर गाजीपुर से है, जहां गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वह इस दौरान पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने मौजूद पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना के संबंध में जानकारी लेने के बाद SP ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने का पुलिस को निर्देश दिया। घटना के संबंध में पुलिस अभी कुछ भी बताने में असमर्थ नजर आ रही है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।